जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्मन भूत पिता प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जन धारण धारयतापिततम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रवेदा। होप यू आर बी फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। बहुत टाइम हो गया था, कोई वीडियो नहीं आई थी, तो हमने फिर एक टॉपिक चुना जनरली नीली के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि नीली में जो दो प्रकार हैं, एक काइनाइट है और एक एवलाइट है, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो अब जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो नीली यानी कि काइनाइट या तो फिर एवलाइट एक कप पहनते हैं। जब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन थोड़ी सी खराब हो या शनि ग्रह जो है किसी 8वें 12वें घर में हो और आपको मैलेफिक इफेक्ट्स मिल रहे हो, या शनि किसी अच्छे घर का लॉर्ड हो बट वो वीक हो वहाँ पे, तो जनरली आपको जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो नीलम पहनने के लिए कहते हैं। बट अब नीलम बहुत महंगा होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस रीज़न से नीली स्टोन रिकमेंड किया जाता है। अब नीलम और नीली में क्या फ़र्क है? नीलम की जो एमएचएस हार्डनेस है वो होती 9 और जो नीली है उसकी होती मैक्सिमम 7, यानी कि नीलम जो है वो आसानी से स्क्रैच नहीं हो पाएगा और जो नीली है वो कभी कभी उसको अगर आप रफ यूज़ करेंगे तो वो स्क्रैच हो सकता है। इसके अलावा कोई ख़ास मेजर डिफरेंस नहीं है। नीली पहनेंगे तो आपको 70% तक जो है नीलम के फिक्स मिल जाते हैं। जिस क्वालिटी का आप नीली 500-600 पर कैरेट में लेंगे, उस क्वालिटी का अगर आप नीलम लेंगे तो जनरली वो आपको 25,000 से 30,000 पर कैरेट तक जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके एवलेट के और कानियट के। सबसे पहले हम समझते हैं कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है। देखिए, नीली जो है ना दो प्रकार की है, एक काइनाइट और एक एवलाइट। एवलाइट जो है इसमें आपको नीलम और एमेथिस्ट दोनों के बेनिफिट मिलते हैं। ये क्यों? क्योंकि जो एवलाइट है इसमें ब्लू और वॉयलेट दोनों प्रकार की आपको रेस उसमें देखने मिलेंगी, ब्लू कलर की भी और वॉयलेट कलर की भी। लेकिन जो काइनाइट है उसमें सिर्फ ब्लू कलर की रेस देखने मिलती हैं। तो यदि आपको सिर्फ एक सिल्वर और नीलम की फीलिंग लेनी है तो आपको काइनेट पहन लेना चाहिए, और यदि आपको एमेथिस्ट और नीलम दोनों के बेनिफिट्स चाहिए तो फिर आपको एवलाइट्स पे चल जाना चाहिए। तो अब जानते हैं कि इसे पहनने के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। देखिए, फोकस और कंसंट्रेशन को ये काफ़ी हद तक बढ़ाता है। यदि आप एक जगह मन लगाकर अपना काम नहीं कर पाते हैं तो आपको ये बहुत ही हेल्प करता है। आपका जो कंसंट्रेशन है उसे काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। आपका जो थ्रोट चक्र है, आपका जो थर्ड आई चक्र है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाता है। इंट्यूशन यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं उसका आपको आभास पहले ही होना शुरू हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट में यदि आप पुअर हैं तो आपका दिमाग मनी मैनेजमेंट में नए आइडियाज़ पैदा करेगा। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाएंगे लाइफ में। और यदि आप मीन्स स्टोरी वगैरह लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए स्टोन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो आपको फिरोज़ा और नीली दोनों राइट हैंड के मिडल फिंगर में एक साथ पहनना चाहिए, उससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। यदि आपको बोलने में दिक्कत है, आप थोड़ा सा रुक के बोलते हैं, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है आपको, तो भी आपको नीली और फिरोज़ा दोनों अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर में एक साथ पहनना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे जो है आप काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, आपकी डेली रूटीन्स में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नींद नहीं आती है आपको तो ये उसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ये सॉल्व कर देता है। यदि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है बुरा, जो कि आपका छूट नहीं रहा है, तो ये उसमें भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। यदि आपकी आँखों में दर्द रहता है तो भी ये स्टोन आपकी जो आँखों में दर्द है उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं स्टोन को पहनने के। और अब जानते हैं कि क्या इसे पहनने के बाद में बुरे सपने कब आते हैं। देखिए,
जनरली क्या है ना कि लोगों की हमेशा मुझे कंप्लेंट रही है कि नीली पहनने के बाद में मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नीली कभी भी चांदी में मत पहनिएगा, उसे पांच धातु में पहनिएगा, फिर आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, आपको बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए रॉन्ग मेटल सेलेक्ट करने की वजह से भी कई बार स्टोन्स जो है हमें नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि पहले चांदी में पहनने के बाद में उन्हें बैड ड्रीम्स आ रहे थे, आफ्टर वेयरिंग पंचधातु उनके बैड ड्रीम्स ख़त्म हो गए थे। तो ये बेसिक बेनिफिट्स हैं नीली को पहनने के, और ये भी बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, एक आयोलाइट में और कार्नेट में, कि आयोलाइट में जो है आपको एमेथिस्ट और नीलम दोनों के बेनिफिट मिलते हैं, कार्नेट में आपको केवल एक सिलोन नीलम के ही बेनिफिट मिलेंगे। अब नीली सूट कर गया है तो क्या नीलम भी सूट कर जाएगा? देखिए 70% केसेस में तो हम ये मान लेते हैं कि नीली ने अगर बेनिफिट दिया है तो नीलम भी बेनिफिट देगा, मगर गारंटी नहीं है। दैट्स वाई आई टोल्ड द वर्ड 70% गारंटी नहीं है, 70% तक हाँ कि नीली सूट कर गया तो नीलम भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत से लोग मुझे कंप्लेंट्स करते हैं कि इसे पहनने के बाद में हम थोड़े से लेजी हो गए हैं, हम थोड़े से सुस्त हो गए हैं। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि यदि आपकी बॉडी थोड़ी सी कोल्ड नेचर की है तो आपको इसे थोड़े से कम कैट्स में पहनना चाहिए। यदि आप ज़्यादा कैट पहन लेंगे तो आप लेजी हो जाएंगे, बिकॉज ये एक कोल्ड स्टोन है, ये एक ठंडे स्वभाव का स्टोन है। यदि आपकी बॉडी पहले से ही कोल्ड नेचर है तो आपको थोड़ा सा कम कैट्स में पहनना चाहिए। बेसिकली इसको पहनने के बाद में जो है आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा लेजीनेस और कोल्ड फीलिंग ना आए। इसके साथ में पन्ना पहनने के से भी आप बहुत लेजी हो जाएंगे, आप बहुत कोल्ड हो जाएंगे। तो ये भी कारण है कि इसके साथ में जब आप पन्ना पहने तो ध्यान रखें कि आपकी बॉडी जो है वो हॉट नेचर की हो। अगर आपकी बॉडी कोल्ड नेचर की है तो आपको ये दोनों स्टोन्स एक साथ बहुत सोच समझ के पहनने हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ क्वेश्चन होगा तो पोस्ट कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, सो थैंक यू, गुड बाय।